आज आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ओप्पो K10 स्मार्टफोन की। जैसे कि आपको पता ही, ये हमने एक फ्लिपकार्ट से ऑर्डर कर मंगाया था ये स्मार्टफोन, और ये एक रिटेल यूनिट था, कोई भी मुझे रिव्यू यूनिट नहीं मिला था। तो इस वीडियो में मैं आपको रियलिटी इस स्मार्टफोन की बताऊंगा कि इस स्मार्टफोन पर क्या क्या कमियां आपको देखने को मिल जाती हैं, इस स्मार्टफोन को आपको बाय करना चाहिए या फिर आपको नहीं करना चाहिए, इग्नोर कर देना चाहिए स्मार्टफोन को, क्योंकि ये स्मार्टफोन अच्छा है या फिर बेकार है। आज की इस वीडियो में सभी डाउट्स आपको क्लियर करके बताने वाला हूँ, क्योंकि ऐसी वीडियो आपको रियलिटी काफ़ी ज़्यादा कम ही देखने को मिलती है। बट मैं आज की इस वीडियो में आपको रियलिटी इस फोन के बारे में बताने वाला हूँ। उस वीडियो को लाइक कर देना एंड प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जो प्रेस कर देना। सो गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि इस स्मार्टफोन की आपको डिजाइनिंग कैसी देखने को मिल जाती है एंड इस फोन की डिस्प्ले आपको कैसी देखने को मिलती है। डिजाइन एंड डिस्प्ले पर आपको कोई डाउट देखने को मिलता है या फिर आपको देखने को नहीं मिलता? तो मेरे हिसाब से इस फोन की डिजाइन काफी ज्यादा आपको डिसेंट देखने को मिल जाती है प्राइस सेगमेंट के हिसाब से। हालांकि इस फोन पर आपको पॉलीकार्बोनेट की बैक देखने को मिलती है, बट जो आपको नीचे साइड पर मैट फिनिश देखने को मिल जाती है और ऊपर साइड पर थोड़ा सा आपको ग्लॉसी फिनिश देखने को मिल जाती है, वो कॉम्बिनेशन काफ़ी ज़्यादा बेस्ट बना देता है इस स्मार्टफोन को। और कैमरा डिजाइनिंग भी गाइस काफ़ी ज़्यादा बेस्ट देखने को मिल जाती है आपको। तो डिजाइनिंग काफ़ी ज़्यादा डिसेंट प्राइस सेगमेंट के हिसाब से देखने को मिलती है। मुझे डिजाइनिंग में कोई भी कमी आप देखने को नहीं मिली, काफ़ी बेस्ट डिज़ाइन आपको इस स्मार्टफोन की देखने को मिल जाती है। अब गाइस हम बात करते हैं इस फोन की डिस्प्ले की, कि डिस्प्ले आपको इस फोन की कैसी देखने को मिल जाती है। तो इस फोन पर आपको 6.59 इंच की एक पंच होल डिस्प्ले देखने को मिलती है, जो कि एक बेजल्स भी काफ़ी ज़्यादा आपको ठीक ठाक देखने को मिल जाते हैं प्राइस सेगमेंट के हिसाब से। और कॉर्नर पर आपको वन होल डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, तो डिस्प्ले भी नो डाउट काफ़ी बेस्ट आपको देखने को मिलती है। एक IPS LCD डिस्प्ले देखने को मिलती है, बट कलर्स आपको काफ़ी ज़्यादा डिसेंट देखने को मिल जाते हैं प्राइस सेगमेंट के हिसाब से। और सबसे खास बना देता है इस स्मार्टफोन की 90Hz की डिस्प्ले, क्योंकि 90Hz का रिफ्रेश रेट हालांकि चलाने पर आपको खुद ही पता चल जाएगा कि अगर आप 90Hz का रिफ्रेश रेट इस पर सेलेक्ट कर चलाते हैं तो काफ़ी ज़्यादा स्मूथ एक्सपीरियंस आपको देखने को मिल जाता है। तो नो डाउट डिजाइन एंड डिस्प्ले पर कोई भी आपको डाउट देखने को नहीं मिलेगा फोन को अगर आप ऑर्डर करते हैं, कोई भी आपको कमी देखने को नहीं मिलेगी। सो गाइस अब हम बात करते हैं इस फोन की कैमरा की, कि कैमरा परफॉर्मेंस आपको इस फोन की कैसी देखने को मिल जाती है। तो गाइस कैमरा परफॉर्मेंस के बारे में हम बात कर लेंगे, क्योंकि कैमरा परफॉर्मेंस एक ऐसी चीज़ हो जाती है कि हर बंदे के लिए एक जरूरी चीज़ होती है। अगर आप डेली टू डेली यूज के हिसाब से भी फोन देखते हैं तो कैमरा परफॉर्मेंस आपको ठीक ठाक देखने को मिलनी चाहिए। तो मैं अपने एक्सपीरियंस के गाइस हिसाब से बताऊं तो मुझे जो आपको बैक कैमरा देखने को मिला है वो काफ़ी ज़्यादा बेकार देखने को मिलता है। गाइस मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ कि बैक कैमरा की अगर आप फोटो क्लिक करते हैं उस पर काली काली सी फोटो आती है एंड डिटेल एक भी आपको इस फोन के कैमरास पर देखने को नहीं मिलती। तो कलर्स भी उतने बेस्ट देखने को नहीं मिलते आपको, मतलब एक तरह से आप मान सकते हैं कि बैक कैमरा का आपको एक भी बेस्ट नहीं देखने को मिलता है। और फ्रंट कैमरे की बात कर ले तो फ्रंट कैमरे से अगर आप लाइटिंग कंडीशन में अपनी फोटो को क्लिक करते हैं तो आपको ठीक ठाक देखने को जाती है, बट कम लाइटिंग कंडीशन में आप फोटो को क्लिक करते हैं तो उतनी बेस्ट डिटेल देखने को नहीं मिलती। और मैंने एक चीज और देखा कि फोटो को जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो अगर आप जूम करते हैं तो उतनी क्लियरिटी फ्रंट कैमरे पर भी देखने को नहीं मिलती। बट मैं आपसे बोलना चाहूंगा कि बैक कैमरे के कंपैरिजन में फ्रंट कैमरा काफी ज्यादा आपको डिसेंट देखने को मिल जाता है, बेस्ट देखने को मिल जाता है, बट बैक कैमरा बिल्कुल भी आपको अच्छा देखने को नहीं मिलता। तो मैं आपको यही बोलूंगा कि आप अगर आप कैमरा पर्पस के लिए ही फोन परचेज करना चाहते हैं तो इस फोन के कैमराज उतने बेटर आपको देखने को नहीं मिलेंगे, बेटर के बिल्कुल भी अच्छे इस फोन के कैमराज आपको देखने को नहीं मिलेंगे। तो मैं आपको बोलूंगा कि कैमराज के लिए इस फोन को बिल्कुल भी बाय ना करिएगा आप। और साथ में गाइस हम बात करते हैं इस फोन की परफॉर्मेंस की, जो कि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती है हर फोन की। और परफॉर्मेंस के कारण ही मुझे ये फोन काफ़ी ज़्यादा बेकार लगा, क्योंकि गाइस इस फोन की परफॉर्मेंस अगर आप डेली टू डेली यूज के हिसाब से फोन को लेते हैं तो उतनी बेकार देखने को नहीं मिलती, काफ़ी अच्छे से आप यूज कर पाएंगे। बट अगर आपको थोड़ा सा हैवी काम है या फिर हैवी काम मल्टीटास्किंग वगैरह फ़ोन पर करते हैं तो आपको थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है, फिर आप वीडियो एडिटिंग वगैरह काइनमास्टर के थ्रू करते हैं तो आपको दिक्कत हो सकती है। क्योंकि गाइस इस पर अगर आप काइनमास्टर रन कराते हैं और वीडियो एडिटिंग करते हैं तो सिंपल से ये इस जो वीडियो एडिटिंग का काइनमास्टर एप्लीकेशन है वो तुरंत ही काला पड़कर बंद हो जाता है। मतलब न्यू फ़ोन मैंने मंगाया है और काइनमास्टर से मैं जैसे ही एडिटिंग करने जाता हूँ तो इस फ़ोन को क्या होता है कि एकदम हीट होने लगता है एंड इसके बाद इसका जो एप्लीकेशन है काइनमास्टर वो एकदम बंद हो जाता है, मतलब फर्स्ट टाइप का जाता है, फिर काला पड़कर एकदम होम बटन पर आ जाता है।
तो ये प्रॉब्लम मुझे इस फ़ोन पर फेस करनी पड़ी है परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग। तो मेरे हिसाब से इस फ़ोन की परफॉर्मेंस भी गाइज बेकार आपको देखने को मिलती है इस प्राइस सेगमेंट पर। हालांकि 10,000 की रेंज का होता तो हम सोच लेते कि परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा बेस्ट देखने को मिलती है, बट 15,000 की रेंज के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो परफॉर्मेंस भी आपको काफ़ी ज़्यादा बेकार देखने को मिल जाती है। तो परफॉर्मेंस के हिसाब से आप इस फ़ोन को बिल्कुल भी ना परचेज़ करिएगा। अगर आप डेली टू डेली यूज के हिसाब से लेते हैं तो आपको हो सकता है काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दे दे, बट अगर आप थोड़ा सा हैवी यूज़र हैं तो आपके लिए परफॉर्मेंस वाला स्मार्टफोन ये बिल्कुल भी नहीं है गाइस। और साथ में गाइस हम बात कर लें बैटरी की, तो बैटरी नो डाउट काफ़ी बेस्ट आपको देखने को मिल जाती है। बैटरी परफॉर्मेंस आपको काफ़ी ज़्यादा बेस्ट देखने को मिल जाता है इस फ़ोन पर। बैटरी के अकॉर्डिंग कोई भी आपको इस फ़ोन पर शिकायत देखने को नहीं मिलेगी। और हम बात कर लें 33 वाट का जो आपको चार्जिंग टेक्नोलॉजी देखने को मिलता है, चार्जर देखने को मिलता है, उसकी स्पीड आपको क्या कुछ देखने को मिल जाती है तो वो भी मैं बता दूं, स्पीड तो आपको देखने को मिल जाती है बट उतनी खास स्पीड इस पर भी देखने को नहीं मिलती। मतलब आप एक से डेढ़ घंटे के बीच में ये 100 चार्ज हो जाएगा, बट ऐसा नहीं कि 1 आवर्स में ही ये 100% जीरो से चार्ज हो जाए, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। थोड़ा सा टाइम लगता है इस पर भी चार्ज होने पर, मतलब मैं कहूँगा डिसेंट एक चार्जिंग टेक्नोलॉजी आपको इस फ़ोन पर देखने को मिल जाती है, बेकार देखने को नहीं मिलती। तो बैटरी अच्छी देखने को मिल जाती है इस फ़ोन की। गाइस हम सीधी सी बात करते हैं कि इस फ़ोन को आपको परचेज़ करना चाहिए या फिर आपको इस फ़ोन को इग्नोर कर देना चाहिए, बिल्कुल भी परचेज़ नहीं करना चाहिए। तो गाइस मैं आपको बता दूं कि अगर आप डेली टू डेली यूज के हिसाब से लेना चाहते हैं, कैमराज वगैरह आप इतना फोटो क्लिक नहीं करते तो इस फ़ोन को आप देख सकते हैं, बट अगर आप एक हैवी यूजर हैं और साथ में फ़ोटो वगैरह क्लिक करते हैं तो इस फ़ोन को बिल्कुल भी मत परचेज़ करिएगा, क्योंकि फ़ोन काफ़ी ज़्यादा बेकार देखने को मिल जाता है। और मैं ये भी बोलूँगा कि इस प्राइसिंग पर इस फ़ोन को परचेज़ ही नहीं करिएगा, क्योंकि इससे बेस्ट ऑप्शन आपको मार्केट पर देखने को मिल जाते हैं। 5G की टेक्नोलॉजी भी देखने को मिल जाती है और ये एक 4G स्मार्टफोन आपको देखने को मिलता है, ये बात ध्यान रख के चलिएगा आप। तो 4G के हिसाब से इसकी टेक्नोलॉजी जो इसके स्पेक्स हैं वो उतनी खास देखने को नहीं मिलती आपको, तो इस फ़ोन को आपको इग्नोर कर देना चाहिए, बिल्कुल भी बाय नहीं करना चाहिए। मैं पछता रहा हूँ इस फ़ोन को लेकर, मैं आपको क्लियर बात कर दूँ तो। सो गाइस इतने कुछ आपके साथ बताना था इस फ़ोन के बारे में कि आपको इस फ़ोन को लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए, क्या कुछ ख़राब देखने को मिल जाता है, क्या कुछ अच्छा देखने को मिल जाता है। तो सब डाउट्स आपके हो सकता है क्लियर कर दिए होंगे मैंने। सो गाइस वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जो अभ्यास कर